फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दालों का हमारे भोजन में विशेष स्थान है। हम अक्सर तरह तरह की दालें खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दालों में कितने गुण छिपे हैं? दाल भारतीय थाली का एक अहम हिस्सा है। देश भर में ये अलग अलग तरीकों से पकाई जाती है। ये दालें सेहत के लिहाज से काफी उपयोगी हैं। दालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए जानते हैं दालों के औषधीय गुणों के बारे में। ये पित्त, कफ और खून के विकार को समाप्त करती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन ए तथा बी तत्व पाए जाते हैं। इसका छिलका पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अरहर के उबले हुए पत्तों को घाव पर बांधने से घाव भरने में मदद मिलती है। अफीम का दुष्प्रभाव पड़ने पर अरहर के पत्तों का रस पिलाने से फायदा होता है। खाने में छिलका रहित दाल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कफ और खांसी में आराम मिलता है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में पाया जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होता है। इसकी चूनी का इस्तेमाल कई रोगों से उपचार के लिए किया जाता है। उड़द की दाल वात, कब्ज नाशक और बलवर्धक होती है। फोड़ा होने पर उड़द की दाल की पीठी रखने से फायदा होता है। हड्डी में दर्द होने पर इसे पीसकर लेप लगाने से फायदा होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा रेशे जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये कफ और पित्त के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। खाने के बाद ये आसानी से पच जाती है। मूंग की दाल आंखों की रोशनी बढ़ाती है। बुखार होने पर मूंग की दाल खाने से फायदा होता है। चावल के साथ तैयार खिचड़ी मरीजों के लिए पौष्टिक सुपाच्य होती है। मूंग के आटे का हलवा शक्तिवर्धक होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।